श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने से रोकने के लिए कांगड़ा प्रशासन ने माता श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के कपाट बंद कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाणगंगा में सैकड़ों की संख्या में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासनिक कार्य प्रणाली की पोल खोल रही है। बाणगंगा के किनारे कांगड़ा बाईपास सड़क पर दर्जनों की संख्या में श्रद्धालुओं के वाहन खड़े हैं और सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु बाणगंगा में जमा है। इतना ही नहीं, ये श्रद्धालु गुप्त गंगा और अक्षरा कुंड में भी दर्शनों को पहुंच रहे हैं। अब सवाल ये है कि भीड़ भाड़ रोकने के निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, तो क्या ये प्रशासन का दायित्व नहीं बनता है कि ब्रजेश्वरी देवी मंदिर की तरह ही बाणगंगा में भी इस बेकाबू सी भीड़ को रोकने के प्रयास किए जाएं। अक्षरा कुंड की तरफ प्रशासन ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संदर्भ में एक चेतावनी बोर्ड लगाया है, जिस पर शायद ही किसी श्रद्धालु की नजर पड़ रही है। इसके अलावा यहां पर भीड़भाड़ कम करने को लेकर पुलिस और प्रशासन के प्रयास कोई भी नहीं है। माता श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, लेकिन इस क्षेत्र में एक भी पुलिस कर्मी तो क्या होमगार्ड जवान तक नहीं है। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार के आदेशों की अनुपालना में प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन जैसे आंखें मूंद कर बैठ गया है, क्योंकि बाणगंगा और अक्षरा कुंड के आसपास बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा है। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट।